इस्लाम अंसारी हैं। इनका सवाल ये है कि किसी की यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते कलमा या दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं या नहीं। यूट्यूब पर किसी की वीडियो देखते देखते कोई ऐसा, यानी जैसे नबी करीम का नाम आता उसमें दुरूद शरीफ पढ़ना ये ठीक है, कलमा वगैरह पढ़ना भी ठीक है, लेकिन अगर ये गफलत में पढ़ा जा रहा है, यानी ध्यान तो वीडियो या बयान की तरफ है, गफलत में पढ़ रहे हैं तो ठीक नहीं है। बेहतर ये कि पहले बयान को सुन लिया जाए या जो उसमें बताया जा रहा है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, वरना बंदा गफलत में कलमा पढ़ेगा उसकी बरकत से महरूम रहेगा, बाकी जो वीडियो देखने में टाइम ज़ाया होगा और उससे हासिल कुछ भी नहीं होगा, या कोई काम का मसला चल रहा हो वो भी नहीं सीख पाएगा, काम का बयान चल रहा हो वो भी नहीं सीख पाएगा, तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि बंदे का दोनों तरफ मल्टीटास्किंग वाला मामला है और हमारा माइंड इस तरह से बनाया नहीं गया। तो बेहतर यही है कि एक काम पे फोकस रखा जाए, अगर कोई ज़रूरी बात दीनी बयान कोई है तो उस पे फोकस करा जाए, वो भी अच्छी बात है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर दुरूद शरीफ पढ़े तो तवज्जो के साथ पढ़े। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें कादरी होस्टिंग.com से।